श्याम बाबा की कथा क्या है, आप सबसे मेरी गुजारिश, आपने पहले नहीं सुनी होगी मगर समझ लेना कि ये खाटू वाला काम कैसे करता है, क्या वरदान मिला इसको, जरा सुन लेना। हरे का तू है सारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सारा सांवरे, हमने भी तुझको नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए, बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सारा सांवरे, अपने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हरे का तू है सारा सांवरे, अपने भी तुझको पुकारा। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। पाल बर्बर घुंघराले थे इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता अहलावती के लाल है, बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो, और दुर्गा को पाने के लिए शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। बर्बरीक निकल गया भोलेनाथ को मनाने। भोले तीन बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब आदमी के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो उसका इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए कि माँ मैं इस शक्ति को महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया, बेटा जा, मगर जाने से पहले
तुम्हें हारेगा, तू उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार खुले घरों में पुकार, हम तो खड़े तेरे द्वार खुले घरों में पुकार। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा लीले घोड़े का असवार, खाटू मानो सावरियो, लीले घोड़े का असवार, खाटू मानो सावरियो। इतनी देर से श्याम बाबा के लिए तालियां बजाई, श्याम भक्तों के लिए बजाई, बाबा का सबसे प्यारा लीला घोड़ा, एक बार जरा उसके लिए दोनों हाथ उठा लो, क्या बात है। लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावर, लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो सावर, ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, ओ लीले घोड़े का असवार, खाटू वालो दिशाएं हिल उठी, तीनों नाक हिल उठे, ये लीले घोड़े पे सवार युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। पूरा युद्ध खामोश, कौन सा धुरंधर आया है ये, जब युद्ध में अर्जुन है, भीम है, भीष्म पितामह है, ये कौन है। लेकिन लीले घोड़े का सवार, रस्ते में भगवान श्री कृष्ण छलिया किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। रस्ते में आया ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले बरबरीक कहां जाते हो, बरबरीक बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो तेरे खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बरबरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, चल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा महा तेरे पास कौन सी शक्ति है। बरबरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में तीन बाण हैं, आप जिसे महाभारत का युद्ध कह रहे हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ये एक बाणी बहुत है। तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी, जो खाटू बाणो सावरियो भक्तारों पलन हारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें तो सब करते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। बरबरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण माइनस, और एक ही बाण से सामने पीपल का पेड़ था, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेद दिए, एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बरबरीक किसका साथ दोगे। बरबरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, ओ हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार
छेड़ी दिया। क्या किया छन? उलझा दिया। बोले बरबरी की एक ऐसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी खराब हो जाएगी। बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बरबरीक, मुझे धरती के कल्याण के लिए, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान तीन महाबलियों में से कोई एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बरबरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बरबरीक बोले, प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये निकाली तलवार अहलावती का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, मगर आप अपने असली रूप में आइए। और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और छोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन बोला, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया। योद्धा हूं, युद्ध देखना चाहता हूं। मोर मुकुट बंसी वाले ने उस शीश को अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर रखा। आखिर में पांडव जीत गए, लेकिन समस्या एक हो गई थी। जीत तो गए, मगर बताए कौन की योद्धा तुम हो, क्योंकि सबको तो मार दिया था। जीवन में अपने कंपिटेटर को खत्म मत करो, खड़ा रहने दो उसे, ताकि तुम्हें लड़ने की इच्छा बनी रहे। वो ही खत्म हो जाएगा तो दिखाओगे किसको। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के। सब गए, बोले कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया। मोर मुकुट बंसी वाला मुस्कुराता हुआ बोला, रे पांडवो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। लेकिन बोले, प्रभु इसका उत्तर कौन दे? हम पांचों भाई खुद ही लड़ लड़ के मर जाएंगे कि युद्ध तूने जिताया, मैंने जिताया। भीम कहे मेरी गदा ने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शन ने जिताया, नकुल सहदेव कहे हम खड़े थे तो जीते। कैसे निर्णय निकले? तब कन्हैया बोला, पांडवों सिर्फ दुनिया में एक शख्स है जो इसका जवाब दे सकता है। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पांडवों के साथ आप भी हो लो, जरा दोनों हाथ उठा के उस शीश के पास जा रहे हैं, जरा ताली बजा के। योद्धा है धनुर्धारी भी है, लीले घोड़े असवार है, मेरा खाटू वाला लखदातार है। सब गए, हे धनु
ये युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। करण के रथ पे अकेला करण था। अर्जुन, अगर तुझ में शक्ति होती, करण के रथ पे अकेला करण था, तेरे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेके बैठा था। वो बाण चलाता था तो तेरा रथ दो कदम पीछे जाता था, और तू बाण चलाता था तो करण का रथ दो कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तू था या करण था? तेरी जीत इसलिए हुई क्योंकि तेरे साथ ये मुड़ने वाला था। कन्हैया को सुन लेना प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले को ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, हे बरबरी जाओ, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कोई भी अगर श्याम पुकारेगा उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं करेगा, उसकी मदद तू खाटू वाला श्याम बनकर देगा। और जो वचन तूने अपनी माँ को दिया, हारे का सहारा, जाओ तेरे दरबार में तेरी कथा सुनकर पहली बार जो हार कर आ जाएगा उसे दुनिया में कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा, तेरे भक्तों को बजा देगा। और जो शीश को मैंने अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही इस शीश में मेरी 16 की 16 कलाएं समा जाएगी। और दूसरा वचन तुमने अपनी माँ को दिया था कि कोई भी तुझे मिलेगा तो इसको इनकार नहीं करेगा, जाओ तेरे भक्तों को वरदान देता हूँ, जो सच्ची श्रद्धा से तेरे दरबार में आ जाएगा उसको कभी तेरे दरबार से इनकार नहीं मिलेगा, जो मांगेगा उसको वो मिलेगा। और प्रेमियों, कलयुग में ये वही खाटू वाला श्याम है जो बरबरीक थे, कन्हैया के वरदान से अमर है।